तो देखिए आज पूरे वापस आना पाठ संख्या जो हमारा काव्य खंड का है 12 एक फूल विचार जिसके कवि या लेखक से कह सकते हैं सियाराम चरण उनके बारे में हमने कल चर्चा की। उनका जीवन परिचय के साथ साथ उनके द्वारा कुछ पदों का भी हमने सरलार्थ भावार्थ पढ़ लिया था। उसी पद के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पेज संख्या 107 था करेक्ट ना भैया माँ के भक्त में यहाँ इसका। तो देखिए इस काव्य पाठ के अंतर्गत सियाराम चरण रुचि हमें कथात्मकता के तौर पर मानव के मध्य फैली हुई विषमता को बताने का प्रयास कर रहा है और यहाँ कवि एक अचूक व्यक्ति के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सुखिया का पिता अपनी पुत्री की मनोकामना की पूर्ति के लिए वह देवी माँ के दरबार में जाता है और वहाँ से देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल की प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन वहाँ जाने पर उसे अनेक अन्य भक्तों द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है और वह अपनी आप विधि इस काव्य पाठ के माध्यम से बता रहा है। तो देखिए कहते हैं जब सुखिया का पिता मंदिर में पहुंच गया और वहां से देवी माँ का प्रसाद के रूप में फूल को प्राप्त कर लेता है और पुनः लौटने का प्रयास करता है, उतने में देवी माँ के जो स्वर्ण भक्त हैं या अन्य भक्त हैं वो उन्हें देख लेते हैं और देखने के उपरांत उस पर अनेक प्रकार के आरोप लगा लेते हैं और उन आरोपों के कारण उसे बहुत ही अपमानित किया जाता है और उसे कहा जाता है कि इस पापी ने इस देवी माँ के दरबार में आकर जो हमारी चिरकालिक यानी पुरानी परंपरा के आधार पर चली आ रही रीति रिवाज को उसने तोड़ दिया है, इसलिए पाप का भागीदार है, ऐसी बात कर उसे दंडित करने का प्रयास किया जाता है। तो आइए अब आगे ही हम पद में देखते हैं। सुखिया का पिता कहता है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कुछ न सुना भक्तों ने जड़ से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के गुस्से दम से नीचे गिरा दिया। सुखिया का पिता कहता है उन स्वर्ण भक्तों के लिए कि तुम कैसे हुए मेरी माँ के ऐसे भक्त, ये तो मैं अपने मेरे अनुसार तुम्हारे अंतर्गत देवी माँ का जो भी है जो भी भक्ति भाव है वो भी मेरी तरफ से विचार बिल्कुल खराब है। वे कहते हैं कि माँ के समूह या माँ के सामने ही इस प्रकार जो करते हो इससे माँ का गौरव कम होता है, लेकिन कहते हैं उसकी बात किसी ने नहीं सुनी कि कुछ न सुना भक्तों ने जड़ से मुझे घेर कर पकड़ लिया, यानी हमारी बातें या मेरी माँ की कोई बातें उन्होंने न सुनी और उन्होंने मुझे घेर लिया और घेरते ही उन्होंने मार मार कर मुझे मुक्के और गुस्से और मुझे नीचे गिरा दिया। कहता है आगे कि मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया है, सबका सब हाय, अब आगे बेटी तू तक कैसे कैसे पहुंच सके, ये अब न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ हुआ मुझसे देवी का अपमान अपमान। सुखिया का पिता कहता है कि मेरे हाथों में देवी माँ का जो प्रसाद के रूप में जो फूल था वो भी मेरे हाथों से बिखर गया और मैं अपने आप से पूछने लगा कहने लगा कि मेरी अभागी बेटी मन भाग्यहीन जिसे कहा गया है क्योंकि वह स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी पीड़ा में ग्रसित है, इसीलिए उसने अभागी के रूप में कहने का प्रयास किया है कि बेटी तू भी अभागी है कैसी है, तुझे मैं एक देवी माँ का फूल लाकर दे सकता हूँ। फिर कहता है कि मुझे सुखिया का पिता कहता है कि मुझे न्यायालय ले गए कोर्ट ले गए और मुझे वहाँ पर इस देवी माँ के अपमान के रूप में मुझे 7 दिन का दंड दिया गया, 7 दिन का उसे दंड सुनाया गया और कहता है कि आपको देवी माँ का अपमान किया है इसलिए आपको 7 दिवस का दंड दिया जाता है। कहते हैं न्यायालय ले गए मुझे 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ हुआ है मुझसे देवी का महान अपमान, देवी माँ के अपमान के आरोपों से 7 दिन का कारावास हो गया। फिर सुखिया का पिता कहता है कि मैंने स्वीकृत किया है दंड, शीश झुकाकर चुप रह गया, उस असीम अभियोग में दोष का क्या उत्तर देता, क्या 7 रोज
की रात जेल में क्या की वहां सदिया बीती और विश्रांत बसा करके भी आंख तनिक नहीं दी थी। वह कहता है कि मैंने साहस पूर्वक 7 दिन का दंड है जो मैंने स्वीकार कर लिया, इसे स्वीकार कर मैं वहां खड़ा रहा चुपचाप और उसका मैं कोई उत्तर न दे सका। जो मुझ पर आरोप लगाए गए मैंने उस आरोप को सहज स्वीकार कर लिया और मैं उसका उत्तर दे दिया। वे कहता है कि 7 रोज ही रहा जेल में, मैं 7 दिन तक जेल में रहा, लेकिन उसकी क्या स्थिति हुई उसको भी उसने बताने का प्रयास किया है कि मैं 7 दिन तक तो जेल में रहा लेकिन मेरी जैसे 7 दिन मैंने 7 सदियों के बराबर रहा हो, 700 सालों के बराबर रहा हो, ऐसे उसने उस दिन उन रातों को बताने का प्रयास किया है। वह कहता है और विश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं थी। वे कहते हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो बिना झपके हुए 7 दिन तक रही, मुझे ना नींद आई ना कुछ ऐसा अपनी निद्रा की अवस्था बन पाई। वे कहते हैं आंखें खुली खुली रही और मैंने 7 दिन इस प्रकार से निकाले उस दुख और पीड़ा के अंतर्गत और मेरी आंखें तनिक मैंने थोड़ी सी भी नहीं ये खुली भी रही। फिर आगे कहते हैं दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को पीछे डेल रहा था कोई वह जर्जर तनु पंजर को पहले कोसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह उलझी सी खेल में ही था अब की दीना दिखाई। अब वो कहता है सुखिया का पिता कहता है कि जब मैं 7 दिन का दंड भोग कर या कारावास बिताकर वापस लौटा तो देखिए उसके मन के अंदर क्या भाव होते हैं और वह घर की ओर लौटता है तो अपनी बेटी के प्रति अपने मन के भाव बताता है या मन की इच्छा बताता है या मन ही मन में विचार या मनन करता हुआ कहता है कि जब मैं दंड बोल कर जब यानी कारावास बिता कर वापस आया तो कहते हैं पैर उठते थे घर को यानी मेरे घर की तरफ पैर नहीं चल पा रहे थे। क्यों नहीं कर वो कहता है कि पीछे डेल रहा था कोई यानी अपने आप में मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं घर की ओर चल पड़ू। भय और जर्जर तंदु पंजर को वह कहता है कि मेरा शरीर बिल्कुल भय से बिल्कुल पीड़ित था और जो मेरा शरीर और उसका ढांचा है उसके सतम शरीर का ढांचा है या शरीर अस्थियाँ हैं वो बिल्कुल अपने आप में अलग तरह की महसूस कर रही थी यानी मेरा शरीर पूरा बदन है पूरा डर के मारे कांप रहा था। वह मन में सोचता है कि पहले किसी मैंने मुझको नहीं दौड़ कर आई थी वह उलझी हुई खेल में ही हाँ अब ये न दिखाई दी। अब देखिए वापस पिता है अपनी बेटी की जिंदा रहने की आस के तौर पर अपना मन ही मन विचार में कहता है कि पहले जैसे जब भी पिता घर की ओर लौटता था या घर आता था तो बेटी उसका दौड़कर स्वागत करती थी या दौड़कर मिलने को आ जाती थी उसी स्थिति का आवाज़ किया। आपने देखा होगा जब भी उनके अपने भी माता पिता जब बाहर आते हैं और छोटे बच्चे जब उनको देखते हैं तो भाग कर उनको लपक जाते हैं उसी स्थिति को यहाँ बताने का प्रयास किया है। वह कहता है कि जब भी मैं बाहर जाता था वापस घर की और लौटता था तो बेटी दौड़कर मुझे सामने आ जाती लेकिन मुझे ऐसी स्थिति अब दिखलाई नहीं देती। इसलिए कहता है नहीं दौड़कर आई वह मुझे ही खेल में होगी। फिर देखिए अपने आप में उस मन को शांत करने का प्रयास करा है कि शायद वह कोई खेल में उलझी हुई होगी इसलिए वह दौड़कर मेरे सामने नहीं आ रही अब की न दिखाई दी अब की बार भी वह न दिखाई पड़ी यानी उसके मन के अंदर बिल्कुल शंका है उसको पता है कि मेरी बेटी तो ऑलरेडी मूर्ति को प्राप्त कर चुकी है और घर के रिश्तेदार हैं उनको जला चुके हैं लेकिन पिता है वो अपना मन अभी भी नहीं मान रहा है। उसी बात को या मन की बात को कवि ने बहुत बढ़िया रोचक तरीके से बताने का प्रयास किया। फिर कहता है कि उसे देखने मरगट मरगट से तात्पर्य से शमशान घाट से कहा गया कि उसे देखने मरगट को ही गया दौड़ता हुआ वहां मेरे परिचित बंधु पत्नी फूक चुके थे उसे जान बुझी पड़ी थी चिंता वहां पर जाती धधक उठी मेरी हाय खुलसी कोमल बची हुई राग से घेरी। अब देखिए जब पिता घर की ओर लौटा और तो वहां पर उसे अपनी पुत्री नहीं मिली तो देखिए वह सीधा कहाँ जा रहा है मरगढ़ की ओर या शमशान घाट की ओर जा रहा है। तो पिता शमशान घाट की ओर जाते हुए कहता है उसे देखने मरगढ़ को ही गया दौड़ा हुआ कि मैं दौड़ता हुआ शमशान घाट की ओर उसको देखने के लिए चल पड़ा लेकिन वह कहता है जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे जो परिचित लोग थे रिश्तेदार थे उन्होंने पहले उसका दाह संस्कार कर लिया था मेरी कहते हैं कि चाहती है बुटी मेरे दिल में दर्द हो उठा हाय और मैंने मन ही मन में सोचा कि हाय मेरी फूल सी कोमल से बची यानी उस बेटी को बड़ी अपमानित किया गया फूल के कोमल के समान बताया गया है कि कितनी बड़ी प्यारी सी थी कितनी कोमल सी थी जो आज है जो रात के डेरी में यजमान होगी ये जलाकर उसको राख कर दिया गया। तो देखिए इस पद्यांश के अंतर्गत पिता का दर्द बताया गया है कि पिता अपने पुत्र के इस
दर्द को किस प्रकार बता रहा है, तो इस पद के माध्यम से बताने का प्रयास किया। फिर देखिए अंतिम पंक्तियों को देखें, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको न ले सका मैं, हाँ एक फुट माँ का भी पता तुझको दे सका। अब देखिए अंतिम पंक्तियों के अंतर्गत सुखिया का पिता अपने आप मन ही मन में अफसोस जाहिर कर रहा है या मन ही मन में अपना इस पीड़ा को बता रहा है कि बेटी मैं तुझे अंतिम बार गोदी में भी नहीं ले सका, और उसके साथ साथ कह रहा है कि मैं तेरे द्वारा मांगी गई मनोकामना के रूप में या तेरी जो इच्छा प्रकट की गई उसके लिए मैं आपको देव माँ के प्रसाद के रूप में फूल मिलाकर नहीं दे सका। तो देखिए इस काव्य पाठ के अंतर्गत कवि ने एक सामाजिक विडंबना या सामाजिक विषमताओं की ओर उजागर करने का प्रयास किया है, किस प्रकार के समाज के अंतर्गत ऐसी विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं या कुरीतियां हैं जिसके कारण एक दूसरे के मध्य में दूरियां बन जाती हैं। उन्हीं दूरियों के कारण देखिए इस कविता पाठ के अंतर्गत बालिका के साथ जो भेदभाव हुआ उसी को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि ने इस काव्य पाठ के अंतर्गत सुखिया के पिता के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के संदेश देने के लिए विभिन्न प्रकार के पदों के माध्यम से अलग अलग तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया। तो देखिए इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कठिन शब्द भी हैं, उनके बारे में भी आपको कोई पूछना तो पूछ सकते हैं। हमने इस पूरे काव्य पाठ को पढ़ा लिया है, पहले भी पढ़ा है आपको लगभग 5-6 दिनों के लगातार उनके से पढ़ाते हुए। अब देखिए इस काव्य पाठ के अंदर किसी को किस प्रकार का पद्यांश या पंक्ति समझ में आई तो पूछ सकते हो। लगभग 16-17 इसके पद हैं, इन पदों के अंदर तो किसी प्रकार की कोई समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते। आगे हम देखें इसके प्रश्न अभ्यास में देखें, प्रश्न के अंदर देखिए आप होमवर्क के अंदर नोट कर लें। देखिए पहली 4 पंक्तियां हैं कविता की, वो पंक्तियों को लिखी जिनको निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है कि पहला पंक्ति जिनका अर्थ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सुखिया के बाद आने पर पिता का हृदय काम होता था। दूसरी है पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा, पुजारी के प्रसाद फूल पाने के लिए सुखिया के पिता की मन स्थिति, पिता की वेदना उसका पछता। आपको ये ऑलरेडी अर्थ लिखे हुए क्या लिखे हुए? अर्थ लिखे हुए, तो इनकी जो पंक्तियां बनती है वो आपको ढूंढे लिखनी है या आप अपने आप उसको ठीक कर रहे हैं कि फलाने का एक नंबर का आंसर क्या बनता है। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन आंसर है इसमें ज्यादा तो नहीं होना, इसमें बीमार बच्चे की क्या इसका इच्छा प्रकट की। दूसरा है अगला देखिए खंड ग, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाया किया गया? जैन सिंह के सुनने पर सुखिया के पिता ने अपनी बच्चे को किस रूप में पाया? इस कविता केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखी। हाँ केंद्रीय भाव